الرحمن الرحيم ये माशाल्लाह से सब लोग नमाज़ पढ़ के अभी हम लोग वापस आ चुके हैं। ये हमारे घर के बाहर आप लोग रश देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी जो है मतलब देखते हैं कुर्बानी कितने बजे होती है। 7 बजे तो नमाज भी हो सकता है, 9 बजे या 8:30 बजे तो थोड़ी देर बाद जाते हैं कुछ खा पी के ना, क्योंकि वैसे अभी नींद आ रही है और रात में 3 बजे सोया था। अच्छा तो जनाब हम लोग भी जा रहे हैं क्योंकि मतलब कसाई वगैरह आ चुके हैं, तो अब हम जाएँ ज़रा होलिया वोलिया हमने चेंज कर लिया। कुर्बानी हमने तो नहीं करनी लेकिन पता चले ना बंदा बराती है तो होलिया भी वैसा ही होना चाहिए ना। तो अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको जानवर, आज आखिरी दिन है उसका। ये माशाल्लाह बस कुर्बानी का टाइम आ गया। अच्छा फाइनली जो है हम लोग क्यू सेक्टर में आ चुके हैं यहाँ पर, बस उन लोगों ने हमें बुला लिया था कि कसाई आ चुका है। बस फाइनली अभी 5-10 मिनट के बाद जो है ये जानवर जो है हलाल हो जाएगा यहाँ पर ना। क्या हाल करना है, इज्जत रख लेना। आजा आजा भाई तूने डरा दिया, हाथ डालने वाले भी नहीं डाल रहे। आजा ये देखो जानवर हमारा तैयार है माशाल्लाह। हाँ दोस्त बिस्मिल्लाह करो। अभी इसको बांध क्यों रहे हो, थोड़ा रेस्ट देने के लिए। अच्छा हमें कैसे पता होगा, ट्रोजा तुम्हारे लाल हो रहे हैं। ये भाई ये चलेगा उस पे तो ये पक, अरे ऐसे बिकेगा, पैसे कैसे आएंगे इधर से। अरे कसाई का पहन कर आया है ट्रोजर, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से तीन गिरा के आया है क्या ये नहीं पता। ये भी धुआं पड़ेगा। निकल गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मोरा ऊपर आ जाएगा। एक मिनट इसका मोरा समर की टूट गई भाग गई। रस्सी ढीली कर दे, पाव निकाल ले, दो निकाल ले पाव। ओए गिरा हुए ओए अपनी मोबाइल वाइट वाली रस्सी का मोरा लेकर आते चले मान के नहीं फटाफट। शाबाश शाबाश, क्या नाम रखा इसका, बनाओ इसको। ये अच्छा बकरा है यार, ये इधर इधर से लाए हो मंडी से। बेहतरीन माशाल्लाह, शाबाश जबरदस्त भाई लग रहा तुम्हारा। मतलब फाइनली जो है जानवर जो है गिर चुका है आराम से माशाल्लाह से, भागा भागा नहीं है, तंग वंग नहीं किया इसने। अब इसकी खाल उतार जा रही है, गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन ये शुगर के ऊपर नीम का दरख्त है तो कुछ आसरा हो रहा है यहाँ पर ना। सारे भतरीजे ना सही है। चाचा बेना पे ना चाचा, ये हमारे चाचा गोदे को सलाम मेरे देवी चाचा। और गोदा वीडियो देख सी। हां अच्छा माशाल्लाह, नरेश भाई आपको सलाम दे रहे हैं ये चाचा आशिक। गोदे को ओ बे दूसरे को भी अब्बा। हां अब्बा को सलाम दे रहे हैं। अच्छा अभी जो है हमारा तो जानवर पीछे कटना भी शुरू हो चुका है माशाल्लाह से, मतलब सब बोझ बनना शुरू हो चुके। अभी हम हसन भाई के जानवरों के पास आए हुए हैं क्योंकि अभी ये ज़िबा नहीं हुआ है, तो अभी कसाई लोग आए हुए हैं, देखते हैं कि ये लोग ज़िबा करते हैं या कोई और टीम आती है ना। ये देखो अभी इनकी कुर्बानी भी होने वाली है थोड़ी देर में ना, ये बेचारे भी अभी ज़िबा होने वाले हैं। और ये ऊँट कल होगा, कल थी ना ऊँट कल होगा। हाँ जा रही हो आज, इधर देखो मेरी तस्वीरें बना।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मियां थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ी सी तो हो जाए ना, गर्मी बहुत गर्मी है। क्या था मैं तेरी वीडियो बनावा जी? ठीक है, शौक लगता है, शौक पैदा हो गया इसको। जिस तरह वो सवारा जाने दे, क्या होते सवारा सबाला जाना जेडे घोड़ दे नाल बैठा होंदे जी जी जाने दे ना तू जी। भाई इसका वही वाला सीन है कि मेरी मेरी तस्वीर आनी चाहिए। हाँ सोना, क्या है तेरे? ठीक हाल है। बस तेरी ड्यूटी खत्म थी वाली है जी? कल तो नहीं है, उठ जे तो नहीं तो पान उठ कल थी वैसे इंशाल्लाह ना जी। उठ दी वीडियो बड़े सुन कुर्बान थी ना जी इंशाल्लाह। ये सब खैर है जी? अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है। हसन भाई तंग तो नहीं कीती पता को? ना ना हसन भाई क्यों तंग कर सकदा। अच्छा हसन जेड़े आवे ना कसाई आवे ना जी जी ठीक है तो बक्सा नहीं। अच्छा मैं इसको सराइकी में कह रहा हूँ कि जब हसन भाई आ जाए और कसाई आ जाए तो मैं पीछे बैठा हूँ, पीछे कुर्बानी हो रही है हमारी, मुझे बुला लेना ना, तो मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। ज़रा देखूँ ये जानवर ये वाला किस तरह से गिराते हैं ना। वैसे तो जानवर शरीफ हैं जी, लेकिन बंदे ये शरीफ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। मतलब हमारे कसाई जा चुके हैं माशाल्लाह से, बस जहाँ पे जो हिस्से विस्से हैं वो हो रहे हैं और हमारे इमरान अंकल कर रहे हैं। भाईजान फाइनली घर पे आ चुके हैं हम लोग, माशाल्लाह सब अच्छे से हो गया। जिन लोगों के साथ कुर्बानी थी वो भी अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत थक चुके हैं हम लोग ना। अभी जो ऊपर सीढ़ियों पे गोश्त लेकर आए हैं उसे थका दिया। अभी यहाँ पर इसको डिवाइड किया जाएगा, यानी कि शॉपर में डाल के जो गरीब गरीब है जिन लोगों की कुर्बानी नहीं है उनको दिया जाएगा, जब तक कुछ खा पी लें, कुछ पानी वानी पी लेना। अच्छा अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि किचन में क्या हो रहा है ना। किचन में जो है पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो ये सारा इसके अंदर जो है गोश्त है, ये बॉयल किया जा रहा है। अच्छा ये जो है ये हमें नहीं मालूम कि यहाँ के लोग करते हैं या नहीं करते, लेकिन हमारे पंजाब में तो करते हैं। मतलब जब से मैं पैदा हूँ मैं तो ये चीज़ देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से मेरी वालदा की वालदा करती थी, नानी अम्मा करती थी और दादी वगैरह एक साथ काम करती थी इसको। ये हम जो है कुर्बानी का गोश्त होता है इसको बॉयल करते हैं और फिर इसको लीमू से खाते हैं, मतलब लीमू निचोड़ के खाते हैं ना। और कलेजी को हम यही करते हैं, कलेजी में भी हम यही करते हैं, थोड़ा हम चटकोरे टाइप के ना, थोड़े हम डिफरेंट हैं। अच्छा तो जनाब हम वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अभी ये सब गोश्त को मतलब जब डिवाइड हो जाएगा आपको आवाज़ आनी होगी, वाले सब कर रहे हैं, फिर इसको गरीबों में बांट देंगे और बाकी जो होगा उसका हम कीमा बनवा लेंगे जाके फ़ौरन ही ताज़े गोश्त का ना। और आज अभी तो ये गोश्त जो है ये बॉयल हो रहा है, बीफ बॉयल हो रहा है, ये खाएंगे, उसके बाद जो रात में जो है पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बहुत मज़ा आया, ईद का पहला दिन है और हम ईद के पहले दिन ही कुर्बानी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई रिश्तेदार तो है नहीं जिसके पास हमें आना जाना है, हम कहते हैं पहले दिन ही कुर्बानी होनी चाहिए हमारी। तो बस वीडियो को वाइंड अप करते हैं इस बार साथ कि अल्लाह ताला जिन जिन ने कुर्बानी की है उन सब की कुर्बानी को कबूल करवाए। खुश रहिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।